First, guys, now see the cases. If we see the first case, Mohan was saving 20k. If we see the second case, Mohan was saving 30k. And then we see the last case, which is the ideal case, and हम सबको यही केस को टारगेट करना चाहिए, in which Mohan is saving 35k. Welcome back to the finance पाठशाला, guys. No बकवास, only काम की बात. गाइज आज का वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है. अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हो तो वीडियो को एंड तक देखिए, और अगर नहीं भी चाहते हो तो भी देख लो. चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो फेमस राइटर रॉबर्ट कियोसाकी से. रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी एक बुक में लिखा है कि एजुकेशन सिस्टम हमें यह बताता है कि गरीब कैसे रहा जाए. रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि स्कूल कॉलेज में ए ग्रेड पाने वाले लोग कैसे उन लोगों के लिए काम करते हैं जिन्होंने अपने एकेडमिक्स में अच्छा नहीं किया है. मानो या ना मानो, ये बात तो बिल्कुल सही है. हम में से ज्यादातर लोगों ने स्कूल कॉलेज कंप्लीट कर लिए, मतलब गरीब कैसे बना रहा जाए ये सीख लिया है, पर अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है. जब जागो सब सवेरा, हम ये चार स्टेप लेके अपने फाइनेंस को फिक्स कर सकते हैं. स्टेप नंबर 1, सेटिंग अ गोल. हमें अपना गोल पता होना चाहिए कि हमें क्या चाहिए, देन ओनली हम उस गोल को पाने के लिए प्लानिंग कर सकते. अब ऐसा नहीं है कि हम कहें कि हमें एक साल में 1 करोड़ करना है, तो दिस इज नॉट अ रियलिस्टिक गोल. अगर हम बोले कि यस 10-15 साल में मेरे को 1 करोड़ करना है, तो दैट इज रियलिस्टिक गोल, एंड देन वी कैन डू इट. सो मोस्ट परफेक्ट रियलिस्टिक गोल इज हमें अपनी पैसिव इनकम से इतना पैसा चाहिए रहेगा कि हम अपनी लाइफ आराम से निकाल सकें. तो अगर हम इसको दूसरे शब्दों में कहें तो हमें अपनी पैसिव इनकम से इतना पैसा चाहिए रहेगा कि हम अपने मंथली खर्चे आराम से निकाल सकें. सेकेंड है सेविंग. अगर आपने ये आदत नहीं डाली तो आप सारी जिंदगी पैसों के लिए काम करते रहेंगे. आजकल तो सेविंग करना बहुत डिफिकल्ट हो गया है, क्योंकि हमारे लिए क्या ज़्यादा मैटर करता है. हमारे लिए ये ज़्यादा मैटर करता है कि पड़ोसी के पास कौन सी कार है और कौन सा आईफोन है. हमें टॉप मॉडल की कार का क्यों खरीदना है. कार का काम है डेस्टिनेशन ए से डेस्टिनेशन बी पे पहुंचाना. एक डिसेंट कार काम कर सकती है. हमें सनरूफ की ज़रूरत नहीं है, हमें टॉप मॉडल की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितने फीचर आप बढ़ाते जाएंगे कार में उतना ही आपका लोन का अमाउंट बढ़ता जाएगा. तो ये हमको ध्यान में रखना ही चाहिए. और आजकल तो सबको अपना स्टेटस सोशल मीडिया पे शेयर करना है, नई गाड़ी, फॉरेन में वेकेशन, सब करना. सेविंग की इक्वेशन तो हम सबको पता है. सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस स्पेंड. अब ये सेविंग की इक्वेशन में भी 3 केस है. तो पहला केस है मोर सेविंग. हमारी सेविंग ज़्यादा कब होगी, जब हमारे खर्चे हमारी इनकम से कम होंगे. जब हमारे खर्चे हमारी इनकम से कम होंगे तब हमारी ज़्यादा सेविंग होगी. तो मान लीजिए मोहन 40k कमाता है और 20k स्पेंड करता है, तो उसकी सेविंग कितनी हो गई. 40k माइनस 20k इज इक्वल टू 20k मोहन की सेविंग हो गई. वहीं श्याम 60k कमाता है और 60k ही खर्चा कर देता है, तो उसकी सेविंग कितनी हुई. 60k माइनस 60k इज इक्वल टू 0. श्याम 0 सेविंग करता है तो इन्वेस्ट क्या करेगा. सो मोहन उन सब लोगों से अच्छा है जिनकी सैलरी 60-70-80 हजार है, और वो 60-70-80 हजार अपनी मंथली स्पेंड कर देते हैं, क्योंकि मोहन 40k कमा के भी 20k सेव कर लेता है. ये उसका बहुत बड़ा अचीवमेंट. जल्दी फाइनेंशियली फ्री कौन होगा. ऑफ कोर्स जल्दी फाइनेंशियली फ्री मोहन होगा, क्योंकि मोहन की सैलरी कम होते हुए भी वो 20k सेव कर लेता है. ये तो हुआ इक्वेशन का एक पार्ट, जहां हम खर्चे कम करके हमारी सेविंग को बढ़ा सकते हैं. नाउ लेट्स डिस्कस द सेकंड. हम इनकम बढ़ाकर भी सेविंग बढ़ा सकते हैं. तो चलिए इस दूसरे पार्ट का एग्जांपल देखते हैं. मान लीजिए अगर मोहन 40k की जगह 50k कमाने लगे और उसके खर्चे 20k ही हैं, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी. 50k इनकम माइनस 20k खर्चे, 30k सेविंग. पहले मोहन 20k सेव कर रहा था, नाउ 30k सेव करने लगा, क्योंकि उसने अपनी इनकम 10,000 रुपए से बढ़ा ली है और उसके खर्चे सेम है. पहले भी वो 20k
खर्चा कर रहा था और अभी भी 20K खर्चा कर रहा है, मतलब उसके खर्चे सेम है पर उसने इनकम बढ़ा लिए, तो अभी वो 30K सेव करने लगा है। सेकंड केस बता रहा है हमें कि मेक मोर मनी, कुछ साइड हसल्स करो, अपनी स्किल्स को अपडेट करो, या फिर कुछ स्किल नहीं आती है तो नई स्किल सीखो जिससे कि वो आपको ज्यादा सैलरी दिलाने में मदद करे, जैसे फोटोग्राफी, वीडियो एडिटिंग। नाउ गाइस डिस्कस करते हैं थर्ड एंड बेस्ट केस, ये बहुत ही आइडियल केस है थर्ड केस। अगर मोहन अपनी इनकम बढ़ाता है, मान लो कि वो 50,000 रुपये कमाना चालू कर देता है और वो अपने खर्चे भी 5,000 रुपये से कम कर लेता है, तो उसकी इनकम हुई 50,000 और उसने खर्चे कम कर लिए हैं 5,000 से, तो उसके खर्चे हो गए 15K, तो उसका टोटल सेविंग हो गया 50K - 15K, दैट इज 35K। फर्स्ट गाइस नाउ सी द केसेस, इफ वी सी द फर्स्ट केस, मोहन वाज सेविंग 20K, इफ वी सी द सेकंड केस, मोहन वाज सेविंग 30K, एंड देन वी सी द लास्ट केस विच इज आइडियल केस, एंड हम सबको यही केस को टारगेट करना चाहिए इन विच मोहन इज सेविंग 35K। दिस इज द बेस्ट केस गाइस, हम सबको यही केस टारगेट करना चाहिए। गाइस द थर्ड थिंग इज इन्वेस्ट योर मनी। मेरे को नहीं लगता कि बिना इन्वेस्टिंग के कोई भी फाइनेंशियली फ्रीडम अचीव कर सकता। हम सबको इन्वेस्ट करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट कुछ भी हो सकता है, जैसे गोल्ड में, स्टॉक, बॉन्ड्स, एनी टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, रियल इस्टेट, इन्वेस्टमेंट कुछ भी हो सकता है, बट वी नीड टू इन्वेस्ट, बिकॉज हमने अभी तक जितना भी सेव किया है उसको जब तक हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे तब तक हमारी मनी ग्रो नहीं होने वाली है। ये वीडियो सेलिब्रिटीज के लिए नहीं है जो करोड़ों में कमाते हैं, और ऑफकोर्स ये वीडियो वो देख भी नहीं रहे होंगे। ये मेरे और आप जैसे लोगों के लिए जरूरी है कि हम अपनी सेविंग को इन्वेस्ट करें, आज से ही बजट बनाएं और अपने पैसे को ट्रैक करें, कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, हमको सब कुछ ट्रैक करना पड़ेगा और देखें कि कैसे ज्यादा सेविंग एंड देन इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। थोड़ा सा सेक्रीफाइस अभी करना पड़ेगा लेकिन इसका मजा हम बाद में ले सकते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज डिसिप्लिन एंड पेशेंस। गाइस मोटिवेट होके हम इन्वेस्टमेंट चालू तो करते हैं बट 1-2 साल में या 3 साल में कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दिखता है तो हम उसको छोड़ देते हैं। गाइस वॉरेन बफेट से पूछा गया कि क्यों लोग अमीर नहीं हो पा रहे हैं आपकी तरह, तो व्हाट इज इट, ही सेड लोगों को धीरे धीरे अमीर होना पसंद नहीं है। दैट इज ट्रू, सबको जल्दी से अमीर बनना है। उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट 13 की उम्र में स्टार्ट किया था, तो आप सोच सकते हो कि कंपाउंडिंग का क्या पावर होता है। गाइस आई होप कि आज की वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। हमने बहुत ही बेसिक सेविंग की इक्वेशन डिस्कस की जो हम में से हर किसी को पता है पर फॉलो नहीं करते। जैसे हमको पता है कि हमें एक्सरसाइज करना चाहिए पर हम नहीं करते, जैसे हमको पता है कि हमको फास्ट फूड को अवॉइड करना चाहिए और हेल्दी फूड खाना चाहिए पर हम नहीं करते। तो इसमें फर्स्ट स्टेप है गोल सेटिंग, सेकंड स्टेप है सेव, देन थर्ड स्टेप है इन्वेस्ट, एंड फोर्थ स्टेप है डिसिप्लिन एंड पेशेंस। सो जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक स्टेप के बगैर दूसरी स्टेप कंप्लीट नहीं हो सकती। जब तक हम गोल सेट नहीं करेंगे तब तक हमको पता नहीं रहेगा कि हमको कितना सेविंग करना है। जब तक हम सेव नहीं करेंगे तो इन्वेस्ट कैसे करेंगे, और इन्वेस्टमेंट करने के बाद हमको पेशेंस एंड डिसिप्लिन रखना है। गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नए वीडियो में, डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस वीडियो।